तो गाइस अभी हम हैं विश्राम घाट से आगे आ रहे हैं, जो कि मामा कंस के किले के पास जा रहे हैं। तो यही यमुना जी है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये देखिए, ये सामने मामा कंस का किला है, जो कि अभी मैं कैमरा मैं मोड़ चुका हूँ यहाँ से। अभी ये देखो, ये सामने है ना खंडर टाइप सा वो। तो बहुत पीसफुली हम यहाँ पर अपना घूम फिर रहे हैं, और भैया जी हमको साथ में थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बताते जा रहे हैं कहाँ पर क्या है। तो चलिए मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो गाइज ये देखो, ये सामने है कंस का किला, मामा कंस का किला, जो कि भगवान कृष्ण के मामा थे। भगवान के मामा नहीं थे हमारे, तो हमारे सबके मामा जगत मामा था, जगत मामा, मामा कंस। गाइज चांद, गाइज चांद ब्लॉग में जगत भुआ थी, अब इसमें जगत मामा है। गाइज हमने यमुना जी में पैसे डाले, तो वो बंदा आ रहा है लेने, वो कहता है हमें पैसे लेने हैं। गाइज वो देखो, वो पैसे लेने जा रहे, उसके सामने तैर रही है। गाइज वो देखो, हमने एक और नोट छोड़ दिया है, वो देखो जा रहा है, अब ये आएगा फिर से लेने। तो गाइज ये देखिए, ये मामा कंस का किला है, जो कि इस समय खंडर बन चुका है। और गाइज हम ये देखो, ऐसा लग रहा है कि आपको वीडियो में कि ये चीजें चल रही हैं। तो गाइज वो देखो, वो है हंसिया रानी घाट। गाइज इधर भैया ने कोई स्टोरी बताई है, ये उसके रिलेटेड, अब वो भी खंडर बन चुका है क्योंकि बहुत पुराना है। और गाइज ये देखो, मामा कंस का किला और क्लोज आ चुका है हमारे। वाओ यार, ये देखिए चांस व्लॉग के एडिटर एंड कैमरामैन भी लग चुके हैं। 1 2 3 गो। कौन सी साइड में जाऊं? आप इतने आसानी से कर लेते, ये वाला पकड़ो, मैं एक कर लू। तो गाइस अब मैंने कहा चलिए मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं बोट चलाने। देखिए गाइस, मैं घूमने नहीं, मैं मजदूरी करने गए हूँ। आप लोगों को लगता है हम घूम रहे हैं, बट नहीं, देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार। तो चलिए, एक्टिंग बहुत होगी, चलिए अब देखते हैं। अब बस ठोकने लगा हूँ, नहीं बच गया। ठीक है भाई। तो गाइस इनके पास जरूर आना, इनका नाम क्या है? सुरेश। तो गाइस ये बोट, सुरेश बोट। तो गाइस ये इधर विश्राम घाट पर आपको मथुरा में मिलेंगे, तो इनसे आप जरूर राइड लेना, बहुत मेहनती हैं ये। ठीक है, बाय कह दो। तो गाइस अब हम यमुना घाट से ना, इधर है एक शंकर ढाबा, उधर आ चुके हैं, इधर ऑर्डर किया है हम सब ने, बट एक बंदा उसका पहले आ गया, फिर से रहा नहीं जा रहा, हमारा भी आ गया। आ गया आ गया। गाइस ये देखो, हमारे दादू का आ चुका है, और चांस व्लॉग का सबसे पहले आया था चांस व्लॉग, वो देखो बुआ। तो गाइस ये हमारे दादू और चांस व्लॉग दोनों की थाली आ चुकी है। इट्स नेम एज घर की थाली, इसको कहते हैं घर की थाली। तो गाइस इसमें 3 फुलका विद पापड़ है, साथ में दाल है, चावल है, मिक्स वेज है,
और ये है रसगुल्ला, जो ये एक स्वीट डिश, और ये साथ में सैलेड है विद दही, ये बहुत अच्छी थाली है, इसको ट्राई करना है। तंदूरी लच्छा परांठा विद तंदूरी रोटी विद बटर, साथ में है पापड़, दाल मखनी, मिक्स वेज एंड इट्स कॉल्ड चमचम विद चमचम, अचार एंड सैलेड, प्योरली वेजिटेरियन फूड। ये है हमारा वेजी स्प्रिंग रोल, ये देखिए। हे गाइस, अभी हमने अपना खाना ख़त्म कर लिया और अब हम पी रहे हैं लस्सी, जो कि है क्ले से बनी हुई, जो कि इसको कहते हैं कुल्हड़ वाला कप। ये देखिए, ये है स्वीट डिश, मतलब कि स्वीट वाली लस्सी, और इधर है नमकीन लस्सी, इसको कहते हैं सॉल्टी लस्सी। तो ये बहुत टेस्टी है चॉकलेट वाली लस्सी। हाँ, वो पिघल रहा ग्लास। तो गाइस, मेरा खाना तो बस ख़त्म होने वाला है, मैं अभी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ खाना को ख़त्म करने में, आपसे बाद में मिलता हूँ। माथा टेक रहा बोलो ना बोलो। तो गाइस, ये देखो चांस ब्लॉग के जो बंदे हैं उनमें बहुत एटीट्यूड है, ये देखो गर्दन घुमा लेते हैं। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर, पर उसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो बाहर से शूटिंग। गाइस, अभी हम द्वारकाधीश मंदिर पहुंच चुके हैं। तो गाइस, अब हम जन्मभूमि पहुंच चुके हैं। इसके अंदर जाने से पहले हमको सब कुछ सबमिट करवाना पड़ता है, इधर साइड पर उन्होंने ना दी हुई है जगहें, आपको खाली पॉकेट जाना है, आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल ना कुछ। तो अंदर बिल्कुल भी मैंने शूटिंग नहीं की, मेरे पास कुछ भी नहीं था अंदर, बस हम लोग हैं, और वो व्हीलचेयर भी नहीं जाने देते अंदर, सिर्फ खुद अपनी एक व्हीलचेयर देते हैं वो निकाल कर मंदिर वाले। तो इसलिए जब आओ तो मैं ये प्रेफरेंस देता हूँ, इधर मोबाइल तक अपने होटल में छोड़ के आओ, कुछ मत लेके आओ, बहुत भाग दौड़।